बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे कॉलम रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे, तो रिपोर्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके ना क्वेश्चंस वगैरह शॉर्ट वगैरह वो एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसमें एमसीक्यूज हैं जी, आपके एक्सरसाइज के भी काफ़ी सारे। वेजिटेबल ऑयल्स आर डैश अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ऑयल्स वही थे जिसमें हमने कहा था डबल बॉन्ड आता है। फैट्स वो होती हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड ज़्यादा होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं उसमें अनसेचुरेशन ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड ज़्यादातर आ रहा होता है। तो अब यहाँ पर उसने कहा कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये बात ठीक है। एक ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड वाला हिस्सा है वो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। जो ग्लाइसरॉल से मिलता है ना, हमारे पास था ना ये ग्लाइसरॉल, हमारे पास था ये, उससे फैटी एसिड मिला था और ये ट्राई ग्लाइसराइड बन गया था। अब वो जो फैटी एसिड वाले से तरफ से जो आर ग्रुप आया था वो उस ऑयल के केस में ये ऑयल था ना, ऑयल इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड होता है। ये बात ऑप्शन ठीक है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। दूसरा उसने कहा ग्लाइसराइड्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सिर्फ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर कहा जाए कि वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो अब जब ग्लाइसराइड की बात आई तो फिर ये ऑप्शन सही नहीं रहे कि ऑयल जो होते हैं वो सिर्फ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स उनके अंदर मौजूद ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ही सिर्फ नहीं होते, और भी उसके साथ यानी ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप बदल चुका होता है जिसको हम ग्लाइसराइड का नाम देते हैं। ये जैसे इसको हमने ग्लाइसराइड का नाम दिया, ये ट्राइग्लाइसराइड्स जो एस्टर बना है, इन दोनों के मिलने, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड के मिलने से जो एस्टर बना है ट्राइग्लाइसराइड, जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो हमारा मेन तो वही है। अब उसने कहा है कि जो ग्लाइसिराइड बनता है ना वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, तो ये बात ठीक है कि ग्लाइसिराइड के अंदर ये आर ग्रुप जब अनसेचुरेटेड होगा तो वो आपका ऑयल होगा, अगर ये सेचुरेटेड होगा तो वो आपकी फैट होगी। ग्लाइसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये ऑप्शन गलत हो गया। असर्शन ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, असेंशियल ऑयल्स प्लांट से हासिल होते हैं, वो हमने बात की थी कि ये सिर्फ प्लांट से नहीं मिलते, ये हमें मराइन एनिमल्स से भी ऑयल्स मिलते हैं, ठीक होगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकती, तो सेकेंड ऑप्शन बी वाली जो है वही ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, फैट्स की हाइड्रोलिसिस कौन सा एंजाइम करता है। लाइपेज हमने पढ़ा था ना, लिपिड्स है ना ये, तो लिपिड्स की जो हाइड्रोलिसिस करेगा वो, ये हाइड्रोलिसिस भी हमने पढ़ा था कि ट्राइग्लाइसराइड की लाइपेज एंजाइम करता है, तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड बन। उसके बाद है जी द रिएक्शन बिटवीन फैट्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट्स के दरमियान जो रिएक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं। उसमें हमारे पास एक तो था, अब ये फैट में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो रिएक्शन हो रहा है, पहले वो रिएक्शन दिखा देते हैं वहीं से। अब ये फैट्स थी, ट्राइग्लाइसराइड जो है जिसमें आर सेचुरेटेड होता है वो फैट है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है, तो एक तो ग्लाइसिरोल बनता है और एक सोडियम का साल्ट बनता है फैटी एसिड का, जिसको हम सोप कहते हैं, और प्रोसेस का नाम स्पोनिफिकेशन। यहाँ पर फिर हमारे पास जो ऑप्शन एक एस्टेरिफिकेशन कह रहा है, एक हाइड्रोजिनोल है। एस्टेरिफिकेशन होता है ना एस्टर का बनना, ये जो आपका पिछला रिएक्शन था ना ये वाला जिसमें ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड आपस में मिले थे और मिलके ट्राइग्लाइसराइड बनाया था, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये इसको आप नाम दे सकते हैं एस्टेरिफिकेशन के एस्टर बन रहा है, क्योंकि ये जो सी डबल बॉन्ड और ओ का फंक्शनल ग्रुप बना था इसको हमने कल नाम पड़ा था एस्टर, इसको कहते हैं ना, तो एस्टर चूंकि इसमें बन रहे हैं तो एस्टरिफिकेशन ये प्रोसेस हो सकता है, एस्टर बनने का अमल। कब, जब ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड मिल के ट्राइग्लाइसराइड बनाएंगे तो ये
स्टेरिफिकेशन कहलाएंगे। दूसरा हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन आपने पढ़ा होगा शायद मैट्रिक में भी, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं हाइड्रोजन का ऐड होना, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज, यानी जो वहाँ पे पुराना बांड है वो टूट गया है और हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो गई, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो हो सकता है, ये भी हम दरबत ये नहीं है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आप कहते हैं जैसे आपने शर्मेट्रियो में पढ़ा हो जो होता है ना शराब बनाते हैं ना अल्कोहल वगैरह ग्लूकोज से बना लेते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें यीस्ट डाल देते हैं, यीस्ट मतलब खमीर जिसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। अच्छा अब वो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है उसके साथ जो जाइमेज एंजाइम है ना वो इंटरेक्ट करते हैं, जो जाइयो ऊपर सी ऑप्शन में भी जाइमेज लिखा हो, तो जी जो जाइमेज है वो इंटरेक्ट करता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ और उसको बदल देता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अच्छा अब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें एक मैंने एग्जांपल ग्लूकोज की दी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी यानी स्टार्च को भी फर्मेंटेशन होती है, या इसी तरह आपकी जो मोलेसिस होता है ना गन्ने का होता शोधा होता है उसको, उससे भी यानी ये फर्मेंटेशन में वो भी इन्वॉल्व होता है। तो फर्मेंटेशन होने के बाद, फर्मेंटेशन करने के बाद आपके पास जो है ना वो अल्कोहल आखिरी प्रोडक्ट जो है ना वो अल्कोहल होता है, मतलब स्टार्च से शुरू हो ना तो स्टार्च की फर्मेंटेशन होती है तो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज की आगे फर्मेंटेशन होके वो हमारे पास ये अल्कोहल बनती है। उसके बाद लास्ट है स्पोनिफिकेशन, सोप बनाने का प्रोसेस जो भी हमने बात की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये के साथ रिएक्शन जब होता है हाइड्रोलिसिस के पाउडर से ये ट्राइग्लिसराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करें वो स्पोनिफिकेशन वगैरह, तो डी ऑप्शन हमारी बात है। उसके बाद है जी ये एंड वेल एमसीक्यू में वुमन पास पेपर वाले होते हैं जो पास पेपर में आए होते हैं, तो इनको आप जरूर करें, सारों को देखें अच्छी में। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लिपिड्स क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जरूर करें। उसके बाद है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिपिड्स फाउंड इन नेचर, यानी फैट और ऑयल जो होते हैं और उनके सोर्सेज क्या, इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सरसाइज में सवाल है जी फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस बता दें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जरूर करना आपने। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स कैसे होती है उसकी प्रोडक्ट के बारे में भी बता दें, ये आपका यानी है उसमें शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है के हवाले से, पास पेपर के हवाले से। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ना वो बने हुए हैं उसमें ना, उसने सी डबल बॉन्ड ऊपर करके नहीं लिखा लाइन में लेके, तो इस तरह भी ठीक है चलेगा, लेकिन तो कोशिश करूँगा इसको चेंज कर दूँ ताकि वो बुक वाला शक्ल हो जाए जरा आपने। अच्छा स्पोनिफिकेशन क्या है, स्पोनिफिकेशन नंबर को डिफाइन करना, ये अलग अलग दो शॉर्ट, स्पोनिफिकेशन वुमन अलग शॉर्ट होता है, स्पोनिफिकेशन नंबर एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इनके जो नीचे रिएक्शन भी हैं ये ज़रूर आपने करने हैं, ये उसके क्वेश्चन का क्या हिस्सा है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल कैसे हम करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेंसिडिटी फैट ऑयल वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आयोडीन नंबर एक्सरसाइज में भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एसिड नंबर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपने करना। उसके बाद अच्छा स्टीरॉयड्स वगैरह वो भी इसी में शामिल किए, चले वो भी करते हैं लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट कोई नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी स्टीरॉयड्स, वो उसी के अंदर ही शामिल था वैसे, चलो करके करते हैं।
इसमें हमारे पास जी एक स्टीराइड्स को यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये भी लिपिड्स की अंदर ही इसको शामिल किया जाता है क्लासिफिकेशन के बाद, इस वजह से स्टीराइड्स का भी डिस्कशन यहाँ आई गई। अच्छा, एक तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, स्टीराइड्स होते क्या है जी, डिफाइन कर दें, एग्जाम्पल दे दें। ठीक, उसमें हम पहला आपकी डेफिनेशन जो ये है कि ये नेचुरल अकरिंग नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं, देयर पेरेंट न्यूक्लियस हैज पेंटा हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथ्रीन कंपोनेंट, कि इनके अंदर ये जो आगे स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है ना, ए बी सी डी करके ये चार रिंग नजर आ रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसमें मौजूद जरूर होता है, जिसमें तीन रिंग मौजूद हैं ए बी और सी, और तीन सिक्स मेंबर रिंग, छह कोनों वाले ना, ये देखें ना, ए के छह कोने ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कोने, बी के भी छः कोने, सी के भी छः कोने, ए बी सी सिक्स मेंबर रिंग है, जो डी वाला इसके पांच कोने, तीन चार पाँच, तो वो फाइव मेंबर रिंग डी शामिल होता है। ये जॉइंट आर फ्यूज टू ईच अदर, आपस में ये जॉइंट होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज मतलब है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये पांच मेंबर वाला रिंग और छह सी और डी आपस में मिल रहे हैं, तो वो जो दो कार्बन है, दो कोने आपस में इकट्ठे हैं दोनों के, यहाँ पे एक ही कार्बन है जो उस डी का भी हिस्सा है, जो सी का भी हिस्सा है, तो ऐसे रिंग को बोलते हैं फ्यूज रिंग। तो कह रहे दीज रिंग आर जॉइंट आर फ्यूज टू ईच अदर एंड हैव अ टोटल ऑफ 17 कार्बन, ये टोटल इनके पास यानी 17 कार्बन आ जाती है। Very small variation in the bonding of atoms in the ring and in the groups attached to them give rise to compounds that are remarkably diverse in their biological functions. Some of the natural occurring compounds belonging to steroids are cholesterol. मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, ये आगे स्ट्रक्चर भी उसका दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का। अब ये देखना, ये कोलेस्ट्रॉल ए बी सी डी उसी तरह इसके अंदर भी मौजूद है। दो मिथाइल और एक आर ग्रुप से मुराद कोई भी ग्रुप यहाँ अटैच हो सकता है, दो मिथाइल यहाँ भी मौजूद है और आर लिखा हुआ था वहाँ पे, ये एक लंबी सी चेन ना, इतनी सारी कार्बन भरी मौजूद है। और एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये कि ए रिंग के साथ ओच लगा हुआ है और बी रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, ये ऊपर वाले ये जनरल स्ट्रक्चर में ये थोड़ी सी वेरिएशन है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बन। इसी तरह दूसरे अर्गोस्टीरोल है ये नीचे, वो भी उसका विटामिन डी होता है इसमें, और हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके इसी की यानी एग्जांपल बन। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए तो उसमें सिर्फ हमें ये मेंशन करना है कि ये नेचुरल के लिपिड्स हैं, इनके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फिनेंथ्रीन होता है कंपोनेंट होता है, जिसमें तीन सिक्स मेंबर रिंग और एक फाइव मेंबर रिंग होता है, 17 कार्बन होती हैं टोटल इसमें। ठीक हो, और इसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ जो है ना वो कंपाउंड्स मौजूद हैं, एग्जांपल के तौर पे ये कोलेस्ट्रॉल और अल्बोस्टीरोल वगैरह आ जाए, ये शॉर्ट आप करोगे। अच्छा, इसमें जो नाम है ना साइक्पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फेंथ्रीन, इसको याद रखने का एक आपको छोटा जरा मैं दे रहा हूँ। ये जो ए बी और सी तीन रिंग है ना, इस तीन रिंग को हम बोलते हैं फेंथ्रीन। आपके उधर ना इसको ले लेता हूँ, तो ये आपके पास ना ये बेंजीन रिंग है ना, इसी के साथ ये दूसरा बेंजीन रिंग जुड़ जाए और तीसरा यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ जाए, ये तीन दो सीधे और एक ऊपर ना, तीन बेंजीन, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। ये आपके है नौवें चैप्टर में इसका जिक्र आएगा, फिनेंथ्रीन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास स्टीरॉयड वाला स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यही आपके पास आ जाता है,
ए बी और सी जो तीन रिंग है वो यही वाले ना, इसी तरह के, बस डबल बॉन्ड्स नहीं है तो वो जनरल स्ट्रक्चर में उसको नाम दे रहा है। फिनेंथ्रीन हो गए तीन रिंग वाला, साइक्लोपेंटेन हो, पेंटेन आपने पढ़ा होगा पांच, पेंटेन पांच को कहते हैं पांच कार्बन वाला, साइक्लोपेंटेन हो वो जो पांच कार्बन है वो साइकिल की शक्ल में हो। तो ये जो आखिरी है ना डी वाला, ये पांच कार्बन है ना, एक दो तीन चार पांच, और वो साइकिल की शक्ल में, रिंग की शक्ल में, इसलिए उसको नाम दे रहे हैं साइक्लोपेंटेनो। तो साइक्लोपेंटेनो और ये ए बी सी वाला फिनेंथ्रीन हो गया। ये जो लिखा ना पर हाइड्रो, पर हाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा ए बी सी तीनों रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिनेंथ्रीन में तो होते हैं, फिनेंथ्रीन में डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस के लिए इसको शो किया पर हाइड्रो। पर हाइड्रो का मतलब ये है कि फिनेंथ्रीन के अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन का मतलब ये कि ये जो साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन बना पड़ा है इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए ये वर्ड पर हाइड्रो का लगाया। तो टोटल नाम हो गया पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट बहरहाल नहीं है, पास पेपर में नहीं आया हुआ जी। कोलेस्ट्रॉल इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। हाँ, एम सी क्यू के हवाले से ना, ये आपने जैसे साइक्लोपेंटेनो उसका यूनिट था एम सी क्यू में याद रखना है, 17 कार्बन का बेसिक यूनिट होता है, ये याद रखना है। ठीक हो गए, उसके बाद ये आपके पास ये जो ना कोलेस्ट्रॉल, ये एग्जाम्पल जो है ये याद रखनी कि ये स्टीरॉइड्स को बिलोंग करती है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर आपके पास एम सी क्यू आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से हो सकता है, आया आज तक नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और एम सी क्यू इसके अंदर जो है ना ये दो मतलब बनते हैं कि मोस्ट अबंडेंट स्टीरो एनिमल स्टीरोल है कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। फिर एंड अकर्स इन ऑल एनिमल टिश्यूज, सारे एनिमल टिश्यू में पाया जाता है, बट ओनली इन अ फ्यू हायर प्लांट्स, कुछ हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है। ये एम सी क्यू हो गया। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट बोथ इन फ्री एज वेल एज एस्टेरिफाइड फॉर्म इन द ब्लड, ये फ्री फॉर्म है जैसे ये नजर आ रहा है आपको जिसमें ओ एच इसका ना फ्री है, बस ओ एच आगे किससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये फ्री फॉर्म है आपको नजर आ रहा है, तो फ्री फॉर्म में भी ये पाया जाता है। और एस्टेरिफाइड मतलब ये ओ एच ग्रुप इसका आगे किसी एसिड के साथ जुड़ के एस्टर बना ले, वो जो जिस तरह वो लिपिड के अंदर अभी हमने पढ़ा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एस्टर बना ले, इस तरह एस्टर की शक्ल में भी ये पाया जाता है। एनिमल टिश्यूज के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है, एनिमल टिश्यूज में, एग में, योक में, और वेरियस ऑयल्स एंड फैट्स और नर्व टिश्यूज के अंदर इसकी अकरेंस से पाया जाता है। इट इंक्रीज्ड इट्स इंक्रीज्ड क्वांटिटीज इन ब्लड मेक्स प्लेक लाइक डिपॉजिट्स इन द आर्टरीज कॉजिंग ब्लड प्रेशर एंड अदर हार्ट डिजीजेस, यानी ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसकी एक लिमिट है, उतनी हमारी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए, होता भी है, लेकिन उससे जब ज्यादा अमाउंट इसकी निकल जाती है ना, ऊपर तजावज कर जाती है, क्योंकि इसका भी एक साइकिल है ना जिसके तहत ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है, फिर आगे उसकी अपना काम करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाता है, फिर नया इस तरह चल रहा है सिस्टम। तो लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो आपका है ना इसकी अमाउंट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आगे इतनी कंजप्शन तो है नहीं, इतना इस्तेमाल तो है नहीं, और एक चीज़ आप खाते जाए और आगे वो हजम ना हो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यही होता है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, खसूसन बड़ी उम्र के लोग ना, जैसे कहते हैं जी बड़ी उम्र में घी वगैरह नहीं खाना चाहिए फलां, वो इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है ना, तो छोटे बच्चे तो होते हैं ना वो भाग दौड़ में इधर उधर ये उनका यानी ना काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो खाते हैं पराठे वगैरह खाएं कोई भी, तो उनका कोलेस्ट्रॉल उसी वर्किंग के अंदर उसी एक्सरसाइज के अंदर हजम हो जाता है, उनके जरिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो दूसरे हैं क्या नाम आपका बड़ी उम्र वाले लोग हैं ना 40 साल, डॉक्टर्स तो कहते हैं 40 साल से ऊपर यानी ये स्टॉप कर देना चाहिए घी वगैरह भी, 40 साल यानी वो जो लोगों को उतनी फिर वर्किंग नहीं रहती ना, भाग दौड़ वाला काम नहीं रहता, बंदा खाता है खा के बैठ जाता है, और लोग एक्सरसाइज वगैरह भी इतनी नहीं होती, तो फिर ये होता है कि वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके ब्लड की जो वेसल्स वगैरह उन्हीं के अंदर ही वो स्टोर होता जाता है, पड़ा रह जाता है, और उस स्टोरेज की वजह से फिर क्या होता है कि वो
जमना शुरू हो गया वेन्स के अंदर, तो ब्लड के फ्लो के लिए फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि अगर वाटरीज बिल्कुल ही बंद हो जाए, ये बहुत ज़्यादा छोटा साइज और उसका हो जाए, सुराख हो जाए उसकी जमने की वजह से, तो फिर हार्ट जो है वो अटैक भी हो सकता है और लोग इस तरह की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद है जी अर्गोस्टीरोल, ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है जी। इसमें आपके पास एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन तो है, एमसीक्यू ये है कि ये स्टीरोल्स ऑफ फंजाई एंड जीस्ट, स्टीरोल आप कहेंगे सर हम पढ़ तो स्टीराइड रहे थे, तो स्टीरोल का नाम एंड पे क्यों आया, रोल जिसे हम पढ़ते हैं अल्कोहल, एथानोल आपने नाम सुना होगा, एथानोल क्या होता है, दो कार्बन होती है ना, यानी CH3 होता है, फिर CH2 होता है और फिर उसके साथ OH होता है, इसे बोलते हैं ना एथानोल। ओल क्यों आ रहा है कि इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसलिए उसको एथानोल ओल आ रहा है एंड के ऊपर। तो जब ये स्टीरॉयड जो है इनके अंदर स्टीरॉयड्स के अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है ओल OH, इस वजह से ओल लगा देते हैं वो स्टीरोल बना हुआ, तो कोलेस्ट्रोल इसलिए कि इसकी ओच मौजूद, इस तरह अर्गोस्टीरोल इसलिए कि इसके अंदर भी ओच मौजूद होता है। तो ये स्टीरोल जो है ये स्टीरोल फंजाई एंड यीस्ट के अंदर अर्गोस्टीरोल पाया जाता है, और व्हेन इररेडिएटेड जब ये इसके ऊपर रोशनी पड़ती है यूवी विद यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट की रेडिएशन पड़ती है, इट इज कन्वर्टेड इंटू अर्गो कैल्सिफिरोल में बदल जाता है, जिसका दूसरा नाम विटामिन डी है जो हमें रिक्वायर भी होता है। तो आपने सुना होगा कहते हैं धूप में निकलना चाहिए कि आपकी जो हड्डियाँ वगैरह उसमें जो एड़ियाँ वगैरह उनके ऊपर धूप वगैरह पड़े तो फिर आपके पास जो विटामिन डी है वो प्रोड्यूस होता है, धूप में बैठना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो इरेडिएशन होगी ना तो जिस्म के अंदर जो ये अर्गोस्टीरोल मौजूद होगा वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बॉडी को चाहिए होता है मुख्तलिफ फंक्शन के लिए। तीसरे नंबर पे है जी फास्फोलिपिड्स, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन उसका वर्किंग वगैरह। तो फास्फोलिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्मस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द कंपाउंड्स टू ऑफ इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए आते हैं कि फास्फोलिपिड्स जो है वो काफ़ी हद तक ये DNA RNA फास्फेट ग्रुप होता है ना इसके अंदर, तो वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन द कंपाउंड टू ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर एस्टेरिफाइड विद फैटी एसिड्स, यानी एंड थर्ड फॉर्म्स आर लिंक विद फास्फोरिक एसिड आर डेरिवेटिव ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये मैंने आपको पहले भी जब टाइप पढ़ी थी उसमें भी बताया था फास्फोलिपिड्स का कि ग्लाइसरोल में हमारे पास तीन होते हैं ना OH, ये तीन OH है ना ग्लाइसरोल में, तो तीन में से दो के साथ तो ये इस तरह एस्टर लिंकेज बनी हुई है, लेकिन जो तीसरे वाला है ना OH उसके साथ कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ फास्फोलिपिड्स के केस में फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, फास्फोरिक एसिड आके जुड़ा होता है, जिसकी वजह से फास्फोलेट या फास्फेट ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम फिर नाम देते हैं ना कंपाउंड लिपिड्स का हम नाम दिया था, उसके अंदर ये एग्जाम्पल मौजूद थी हमारे पास ना फास्फोलिपिड्स, तो ये कंपाउंड लिपिड की क्लास में आ जाते हैं, ये MCQ में याद रखना बहुत आपने। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की इम्पोर्टेंस ये अलग से शॉर्ट का सिर्फ हो सकता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है और मेक द फूड मोर प्लेटेबल, जैसे हम शोरबे वाला सालन हो तो बड़ा मज़ेदार लगता है, खाना आसान होता है, लेकिन जो शोरबे के बगैर घी के बगैर हो सूखा सालन हो तो ज़रा मुश्किल है, फिर दही चटनी वगैरह मिला के खाते हैं, तो यही ये हमें लिए हमारे लिए इसको ना लजीज बना देता है, हजम जो मुंह के अंदर आगे मूवेबल जल्दी हो जाता है। दे एग्जर्ट एंड इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू, कि जो नर्वस टिश्यू है उसके ऊपर जो है ना वो बनाते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है इनका। दे आर गुड एनर्जी रेजरवायर इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर इनके एनर्जी जो है ना वो रेजरवायर जो है ना वो एनर्जी की स्टोरेज के तौर पर यही काम कर रहे होते हैं। लिपिड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, ये सेल प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा होते हैं।
some lipids act as precursors of very important physiological compounds. For example, cholesterol is the precursor of steroid hormones. Cholesterol जैसे है, तो उसका वो precursor मतलब कहते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज बनानी हो, कोई कंपाउंड बनाना हो, तो उससे पहले एक चीज आपके पास हो तो उसे बोलते हैं प्रीकर्सर, एक प्रीकर्सर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड। जैसे मैंने एग्जांपल दे दूं, जैसे यहाँ पे आपने बनाया लेट्स सपोज रिएक्शन था, ये बनाना है। अब इससे इसका ये बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड चाहिए, ठीक है। ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड मिलेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, अब वो जो फैटी एसिड है वो कहाँ से मिला जी? वो मुझे एल्डिहाइड से मिला। तो एल्डिहाइड को मैं नाम दूंगा कि एल्डिहाइड ना प्रीकर्सर है किसका, इस ट्राइग्लाइसराइड, क्योंकि डायरेक्ट तो वो नहीं बना रहा, लेकिन वो कुछ ऐसा बना रहा है जो फर्दर आगे उसमें बदलने में इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं प्रीकर्सर। कि एक तो होता है ना रेक्टेंट, जो खुद बना रहा होता है वो चीज, तो वो रेक्टेंट की बात नहीं कर रहा, रेक्टेंट नहीं, रेक्टेंट से जो ना वो अगले, तो या उससे पहले पीछे वाला कह लो, कि जिस चीज ने रेक्टेंट को बनाया है और रेक्टेंट ने फिर ये प्रोडक्ट बनाई है, तो जो रेक्टेंट को बनाने वाली जो चीज है ना उसको नाम देंगे, ये प्रिकर्सर है उस प्रोडक्ट का जो आगे चल के बनेगा। ओके हो गई। तो यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स के हवाले से। उसके बाद आपके पास है जी एंजाइम्स आ जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स, दो टॉपिक है। चलें जी, आज कितना काफी, ये बस करते हैं, इसकी एक्सरसाइज हमने ये कर लिया। तो आज ना वो पेपर है यूनिवर्सिटी का, वो लेना ऑनलाइन पेपर, मैंने उसमें से आज क्लोज करते, 10 बजे पेपर है, तो उसके बारे में चेक करते।